हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। हमारे 3000 सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल में हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपसे दिल से बोलना चाहूँगा। 3000 सब्सक्राइबर हमारे टेक्निकल नवीन जी यूट्यूब चैनल पे हो चुके हैं और आज हम बात करेंगे दूसरे नए एक और ब्रांड के साथ, बिग बॉस ई रिक्शा मॉडल के साथ, जो कि अभी नया मार्केट में आया है और अभी लॉन्च करने वाले हम लोग। तो बेसिकली आज अब जानेंगे इसके बारे में कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन इसमें दी हुई हैं और क्या औरों रिक्शों से बेटर इसमें हमने क्वालिटी दी हुई है, आज उसी के विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसके चेसिस की, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं इसमें गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जितनी भी कंपनियाँ ई रिक्शा की, सबसे ज़्यादा हैवी चेसिस हम लोगों ने इसमें दिया हुआ है, क्योंकि हमने इसमें 4 पाइप यूज़ किए हुए हैं विद चैनल के साथ। दोस्तों आप देख सकते हो, यतिन भैया एक बार थोड़ा सा दिखाइए हमारे व्यूअर्स के लिए कि हम लोगों ने चेसिस में 4 पाइप दिए हुए हैं, 1 पाइप, 2 पाइप, 3 पाइप, 4 पाइप, हमने 4 पाइप चेसिस में और सिंगल पाइप हमने दिए हुए हैं। और इसमें आप हमारा नेक पाइप आप देख सकते हो, इसको 12 गेज में दिया हुआ है, 30-70 का पाइप हमने इसमें यूज किया हुआ है। और नीचे से भी आप देख सकते हो, हमने इसमें चैनल का पीस ही हमने यूज किया हुआ है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो चैनल, जो कि ट्रक वगैरह या जो भी हैवी व्हीकल होते हैं उसमें ये यूज होता है, हमने ई रिक्शे में दिया हुआ है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इंडिया में ई रिक्शा सबसे मजबूत चेसिस हम लोगों ने इसको बनाया है। दूसरी हम बात कर सकते हैं कि अब इसके लिए हम बात करेंगे दूसरे की, शॉकर हमने इसमें 43 mm का दिया हुआ है। 43 mm हमारी चौड़ाई होती है और जो लंबाई है वो 31 inches हमने लंबाई दी हुई है। SPL कंपनी के हमारे शॉकर्स हैं। आप इसमें आप देख सकते हो कि हमने जो और कंपनियां देती है वो स्टील में देती है, लेकिन वो क्रोम का पानी चढ़ा हुआ होता है, तो हमने इसको मेटल में दिया है। काफ़ी मजबूत है, इस पर हम खड़े भी आराम से हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। तो दूसरी चीज हम बात करने वाले हैं आप दूसरे की, हमने LED लाइट्स इसमें दी हुई है। LED लाइट में हमने 16 लाइटें इसमें दी हुई हैं। इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर ये कभी फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम होती है तो इसको आप बल्ब में भी यूज कर सकते हो, मतलब इसमें होल्डर इस टाइप का दिया हुआ है कि LED को निकाल के आप होल्डर में भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों फ्रंट ग्लास के लिए बात करें तो फ्रंट ग्लास इसमें हमने जो और अदर रिक्शा की वीडियो बनाई है उसके कंपैरिजन में हमने इसको बड़ा फ्रंट ग्लास दिया हुआ है। मोटर वाइपर हमने यूज किया हुआ है, अच्छी क्वालिटी की वाइपर हमने इसमें मोटर यूज की हुई है वाइपर की। आप दोस्तों इसमें देख सकते हो, यहाँ से स्विच ऑफ ऑन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जगह यहाँ पे छोड़ी हुई है साइड मिरर के लिए, जो कि बैक में कोई भी बंदा आ सके तो उसको देख सके। तीसरे लिए हम मीटर के लिए बात करें तो बैटरी मीटर हमने इसमें दिया हुआ है, बैटरी इंडिकेटर्स हमने दिए हुए हैं, CY की लॉकिंग हमने दी हुई है चाबी की, इसमें हैंडल लॉक भी आप आराम से कर सकते हो, स्पीड भी आप देख सकते हो इसमें हमने 30 की लिमिट इसमें दी हुई है और 30 तक आराम से चलता है। चार्जिंग का हमने इसमें आपको चार्जिंग पॉइंट आप हमारा यहाँ पे देख सकते हो, चार्जिंग के लिए हमने ये वाला सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। और दूसरी सबसे बढ़िया आप देख सकते हो कि इतना इसका जो जैसे और कंपनियों में बटरफ्लाई का आज बहुत ज़्यादा चलन है, लेकिन वो ना वो कहीं ना कहीं लूज होती है, तो हमने ना उसको हैवी कर रखा है, इसको हमने पूरा पाइपिंग में ये चीज़ें दी हुई हैं, इसमें बटरफ्लाई का कोई सिस्टम ही नहीं है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे। दोस्तों हम बात करें टी हैंडल की, तो टी हमने SPL मॉडल के साथ ही SPL कंपनी के साथ ही वाइंड अप करके हमने टी हैंडल को बनाया, जो कि काफ़ी अच्छी और मूविंग में काफ़ी इजीली हम इसको मूव कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। हम कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे की फंक्शंस की, जैसे कि इसमें हम रिवर्स एंड फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे पीछे ही रिक्शा हम कर सकते हैं, CY की हमने थ्रोटल इसको बोलते हैं। और आपका आप इसमें देख सकते हो ये हॉर्न की स्विचिंग हमने दी हुई है, बैक इंडिकेटर्स हमने इसमें दिए हुए हैं, इसमें लाइटों का सिस्टम हमने दिया हुआ है, फ्रंट लाइट का इसमें लो बीम हाई बीम हमने दिया हुआ है। अब दोस्तों हम बात करें जो कि हमने और रिक्शा से क्या डिफरेंट किया है। दोस्तों और रिक्शों में क्या होता है, हमें हैंड ब्रेक के लिए झुकना पड़ता है, हैंड ब्रेक हमने ब्रेक लगाया तो हैंड ब्रेक के लिए हमने झुका, लेकिन हमें इसमें ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है, हमने बस आपको इसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ हमने इसको किया, गाड़ी हमारी हैंड ब्रेक हो गई, ना आपको झुकना पड़ा, बस बैठे बैठे आपने क्लिक किया, इसको दबाया और इसके साथ हमने ये आपका पूरा सेट हो गया।
और दूसरा आप ग्राउंड देख सकते हो दोस्तों कि हमने ना इसमें चक्कर प्लेट दी हुई है, 2 mm की हमारी चक्कर प्लेट है ये, जो कि काफ़ी हैवी है, जो कि बसों में यूज होती है, काफ़ी हैवी बसों में यूज होती है। अब हम बात करते हैं सीटों की, तो सीटें भी आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हम 2 से 3 सवारी भी अगर हम चाहें, वैसे गवर्नमेंट के रूल के अनुसार ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहें तो 2 से 3 सवारी हम यहाँ पे आराम से बैठा सकते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं आपके जो आप कमाते हो उसमें बेनिफिट होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे ड्राइवर बॉक्स की, कि ड्राइवर बॉक्स में हमने क्या खास दिया हुआ अदर कंपनियों से। अदर कंपनियों से हमने ये खास दिया हुआ है कि हमने ना इसमें पार्टीशन किया हुआ है। कई बार क्या होता है कि हमने यहाँ पे वायरिंग पूरी लगाई हुई है और हम मटेरियल भी रख रहे हैं, अपना लगेज भी रख रहे हैं, तो वायरिंग कहीं ना कहीं दिक्कत करती है। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि हमने ना पूरा इसमें कंट्रोलर में हमने पूरा सारी चीज़ें इसमें मैनुअल दिया हुआ है। अगर कोई भी समस्या होती है, अगर कोई भी फॉल्ट होता है, तो इसमें कोई भी बंदा जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, थोड़ी सी जानकारी के साथ ये पूरी सारी चीज़ें आप वायरिंग के साथ कवर कर सकते हो। जैसे कि मोटर हम लोगों ने इसमें CY का दिया हुआ है, ब्लू CY में पूरी वायरिंग जो है हमारी, आपका इसके पूरी वायरिंग आप देख सकते हो, पूरे 12 mm में कॉपर, प्योर कॉपर की वायरिंग है। MCB आप देख सकते हो, ये हमने इसमें 63 ampere की आपको MCB दी हुई है। और इसमें प्लस पॉइंट हमने एक और दिया हुआ है कि हम ना जो चार्जिंग करने के लिए स्विचेज होता है, जो कि मार्केट में कम से कम 100-150 रुपये का मिलता है, ये हम अलग से एक्स्ट्रा देते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट है। इसमें आप देख सकते हो FM की हमने ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप अपना पूरा कोई भी लगेज सामान आप रख सकते हो, कोई भी लगेज रख सकते हो, चार्जर हो गया, टिफ़िन हो गया, खाना हो गया, या कुछ भी आप सब्जी लेने जा रहे हो, जैसे मैडम ने सब्जी मंगाई, आपको रखनी कहाँ पे, पीछे रखोगे दिक्कत हो जाएगी, तो आप इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, ये लगेज के लिए हम लोगों ने सामान दिया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों बैक मिडिल के लिए, तो हमारा बैठने का आप देख सकते हो दोस्तों काफ़ी स्पेसियस हमने दिया और सीट में काफ़ी कवरिंग दी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमने गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार तो हम 3 सवारी नहीं बैठा सकते, 4+1 होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 3 सवारी हमारी बैठ सकती हैं आराम से अगर हम चाहें तो। फ्लोर आप देख सकते हो पूरा हमने चक्कर प्लेट दी हुई है, जो कि हमारा बसों में यूज होती है, 2 mm की हमने चक्कर प्लेट दी हुई है। ये हमारा आपका जो मिडिल बॉक्स है, इसमें बैटरी रखने के लिए 2 बैटरी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वायरिंग भी आप देख सकते हो, ये बैटरी की वायरिंग होती है। जैसे दोस्तों आप वायरिंग के बारे में, जैसे कि हमें पता है ई रिक्शे में 2 वोल्ट चलते हैं, एक तो 12 वोल्ट, एक 48 वोल्ट, तो 48 वोल्ट की वायरिंग जो है हम मोटर से लेके बैटरी तक यूज करते हैं, बैटरी को कंट्रोलर क्या है फिर कंट्रोल करके आगे कन्वर्टर जो है वो आपकी वायरिंग 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके आगे सप्लाई देता है। आपका इंडिकेटर हो गया, या आपका फ्रंट लाइट हो गई, या बैक इंडिकेटर हो गया, या हमें FM चलाना है, वो सारी चीज़ें 12 वोल्ट में यूज होती है। तो यहाँ पे हमने 2 बैटरी का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें हम यहाँ पे पूरी बैटरी फिटेड, हमने यहाँ पे पत्ती दी हुई है कि बैटरी जब भी आप बैटरी लगाओ तो कोई दिक्कत ना हो, कि वो कई बार होता है कि बैटरी जब चलते चलते धच्चियों की वजह से इधर उधर उसका पानी गिरता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपके साथ। अब हम बात करते हैं बैक बॉक्स में भी हमने सेम सारी चीज़ें दी हुई हैं। बैटरी वायरिंग आप देख सकते हो, बैटरी के लिए बैटरी की वायरिंग हमने निकाली हुई है। आप मोटर आप देख सकते हो यहाँ पे, बैटरी भी आप देख सकते हो पूरी हमने उस हिसाब से बनाई है, जो मार्केट में जैसे अविष्टमैन 148 AH की बैटरी यूज कर रहा है, तो उसकी भी हमने इसमें लेंथ विड्थ लेके वो उसी मैक्सिमम के कि कोई भी आप बैटरी यूज करो तो आपको कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगी। दोस्तों अब आप हम बात करते हैं बैक से क्या है, हमने अपने जो भी मॉडल है पूरे मॉडल की हमने ब्रांडिंग दे दी है। अब इसमें भी दोस्तों रात में जो है वो लाइट जलेगी डिप डिप करके, जो हमने रात में ये यूज की हुई, इसमें LED हमने फिटेड की हुई है जो कि रात को लाइट जलेगी। इसमें हमने हेलोजन लाइट इंडिकेटर्स दिए हुए हैं,
ये लाइसेंस लाइट इसको कहते हैं, जब नंबर लग जाएगा तो उसके लिए यूज हम कर सकते हैं। आप दोस्तों आप बम्पर देख सकते हो, कोको भाई थोड़ा सा इसको चल के बताइए, मजबूती दिखाना चाहता हूँ मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को। देखिए कितना मजबूत बम्पर है, हम दो लोग ये 6 फीट के, कम से कम 100 किलो वजन होगा इनमें और ज़्यादा ही हो सकता है दोस्तों। और कोको भाई क्या हाल है? चलिए थैंक यू भाई। स्टेपनी कवर, स्टेपनी हमने अलग से देते हैं, स्टेपनी में हमने टायर के बारे में नहीं बताया, टायर के बारे में भी मैं बताना दोस्तों। स्टेपनी कवर हमने दिया हुआ है, स्टेपनी भी हमने इसमें दी हुई है, इसके साथ ही हम फ्री में देते हैं। दूसरा हमने जो टायर यूज़ किए हैं वो 375 सबसे बड़े टायर साइज 375/12 के हमने दिए हुए हैं। और आपका जो कंपनी है वो TVS कंपनी की है, TVS कंपनी के टायर हमने यूज़ किए हैं, 1 साल की वारंटी हम अपने टायरों पे देते हैं। पैनल भी आप देख सकते हो, बहुत ही 3D स्टाइलिश हमने पैनल दिया हुआ है फ्रंट में। म्यूजिक सिस्टम हम लोगों ने आपका देख सकते हो कि फ्रंट सबसे बैक में दिया हुआ है, और थोड़ा सा ना लुक जो है वो यूनिक बनाया अलग रिक्शों से। पूरा कवर स्पेस भी आप देख सकते हो, ये हमने लट्टू लगा दिए, जब हमें सवारी ना मिले तो हम इसको आराम से फोल्ड कर सकते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हमने फॉग लाइट इसको कहते हैं, कि रात में कम रोशनी होती है तो हम इसको फ्रंट के लिए यूज कर सकते हैं लाइटों को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा, और देखने के साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो आपको लाते रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव लाते रहेंगे। और जो भी आपको अगर कोई भी रिक्शा अगर आपको पसंद आए या किसी का भी रिव्यू करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बनाने की बहुत जल्दी कोशिश करेंगे। थैंक यू।